स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खजरी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन बेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रास्ते पर चलती हुई महिलाओं से बहला फुसला कर उनके जेवर लूटने वाले दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से 17 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि ये शातिर लुटेरे हैं और राह चलती हुई महिलाओं से ये कहते थे कि आगे पुलिस की नाकेबंदी लगी हुई है और आप जो गहने पहने हुए हैं, पुलिस उन गहनों की बिल जो है आपसे मांगेगी। इससे बेहतर है कि आप जो है ये गहने उतार कर अपने पर्स में रख लें। और गहने महिलाएं उतार कर पर्स में रखती थी, इसी दौरान ये हेर फेर करके उन महिलाओं से मीठी मीठी बातें करके और गहनों पर हाथ साफ कर दिया करते थे। गिरफ्तार जो आरोपी है, इनके नाम है अनिल कृष्ण शेट्टी, 43 साल। दूसरा जो आरोपी है उसका नाम है रमेश विजय कुमार जायसवाल, 47 साल है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है, इनके पास से करीब 17 लाख रुपए कीमत के जो सोने के जेवर है, इनकी वजन है 240 ग्राम, ये बरामद किया है। बहरहाल अब ये दोनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। खद्दी में बतावनी के केसेस, चीटिंग के केसेस बहुत सारे दर्ज है, उसके ऊपर पुलिस काम कर रही थी। उसके दौरान यूनिट 4 उल्लासनगर हमारा क्राइम ब्रांच का है, थाना पुलिस आयुक्तालय यूनिट 4, उसके सीनियर पे आए, तत्कालीन सीनियर पे राजू सोनवने और उनकी टीम, अभी के जो चार्ज लिए हुए अशोक कोड़ी साहब सीनियर पे आए, ये और ACP डिटेक्शन 1, इनके मार्गदर्शन में दो आरोपी एक जगह पे आने वाले हैं ऐसा उनको इन्फॉर्मेशन थी। उसके हिसाब से वहाँ पे उन्होंने ट्रैप आयोजित किया था, तब इसमें दो आरोपी इसमें पकड़े गए, एक अनिल शेट्टी करके है और दूसरा रमेश जायसवाल करके है, दोनों रहने वाले अंबरनाथ के हैं। इनको जब पकड़ा गया, इनके इंट्रोगेशन में ऐसा पता चला कि लगभग 11 गुने इन्होंने थाना पुलिस आयुक्तालय के हद्दी में किए हैं और 5 गुने मुंबई पुलिस आयुक्तालय के हद्दी में किए हैं। इसके दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग 24 तोला 240 ग्राम सोना इसमें बरामद हुआ है, जो 11 गुने थाना पुलिस आयुक्तालय के हद्दी में, उसके लगभग कीमत 17,40,000 उसकी कीमत बनती है। बहुत ही अच्छा डिटेक्शन यहाँ पे यूनिट 4 उल्लासनगर गुने शाखा इन्होंने किया है और इसमें और भी कुछ नाम इसमें रिवील हो के सामने आ रहे हैं, और भी आरोपी इसमें कुछ बतावनी करने वाले हैं, उसका भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो आरोपी पकड़े गए हैं वो पहले भी जेल में थे बतावनी के केसेस में, चीटिंग के केसेस में, लगभग 3 महीना पहले ये बाहर आए हुए और फिर ये चीटिंग के केसेस करते हुए पाए गए हैं। तो इसमें अभी जो कुछ रिकवरी हुई है और जो कुछ है एविडेंसेस मिले हैं, उसके तहत हम स्ट्रॉन्ग चार्जशीट करके उनके अगेंस्ट हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। इसमें जो इनकी मोडस थी उसमें ये बताते थे कि एक बड़ा आदमी है और एक उसका PA टाइप आदमी है और हमारे सेट को मतलब आदमी बात करने में या मजा करने में, लोगों के साथ छेड़खानी करने में उनको मज़ा आता है, ऐसा करके बता के उन्होंने उनके पास से जो सोना था वो सोना हाथ में लेते थे और बाद में उनके पॉकेट में रखा है या उनके पर्स में रखा है ऐसा प्रिडिक्ट करते थे और हाथ चलाकी से वो वहाँ से गायब कर देते थे। और कुछ जगह पे ऐसा भी था कि सामने पुलिस का चेकिंग चालू है, आपका जो जेवरात है वो निकाल के आपके पर्स में रखिए,
ऐसा करके वो इकट्ठा करके वो वहाँ से वो बरा मतलब पसार हो जाते थे। दूसरा एक उनका मोडस था कि सामने बड़ी शादी है, उसमें साड़ियाँ बांट रही है, बांटी जा रही है, तो आपका आपके जो आंग पे जेवरात है वो देख के आपको साड़ी नहीं मिलेगी, तो आप ये जेवरात उतारो फिर आपको साड़ी मिलेगी। तो ऐसा करके वो जेवरात वो निकालते थे औरत लोग, और वो रखने में रखते समय ये खुद उसमें हाथ चालाकी करके वो वहाँ से पसार हो जाते थे। तो ये बहुत सारे टेक्निक यूज़ करते थे ये बतावनी करने वाले, और जो हमारे सिटीजन्स है उनको इसमें फंसा देते थे। बहुत ही अच्छा इसमें डिटेक्शन हुआ है, तो इसमें मैं नागरिकों को एक आह्वान करूंगा कि ऐसा अनजान आदमी अगर आपके सामने आता है कोई भी, तो इसमें वो आपसे अगर बात भी करता है आपके जेवरात के बारे में या किसी तरह की, तो आप उसको अवॉइड करें और आप वहाँ से निकल जाए या तो पुलिस को इत्तला करें। ये मैं नागरिकों को आह्वान करूँगा। यहाँ कौन से लोगों को ये टारगेट करते थे और सुनसान एरिया होता था, किस प्रकार से टारगेट करते थे? जैसे कि इंडिविजुअल आदमी है, उसके आंग पे अगर कोई चेन है या औरत है उसके शरीर पे अगर जेवरात है और अकेली जा रही, ऐसे औरत या उसे ऐसे आदमी को ये टारगेट करके इंडिविजुअली अकेला देख के उसको टारगेट करते थे और वैसे उसको बात में उलझाए रखते थे और वहाँ से सोना बरामद करते थे। फरियादी ने किसी ने बताया है क्या इनके पास हथियार होता था या मिर्ची पाउडर लोग करने के हमला भी करते? नहीं, जो भी हमने फरियादी लोगों को भी इंट्रोगेट किया तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया, उनके पास हथियार वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। इनको भी आरोपियों को भी हमने इंट्रोगेट किया तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि उनका जो हाथ चलाकी है उसके ऊपर वो पूरा ये सब करते थे। तो वो पहले भी अंदर जा चुके हैं जेल में, अभी भी बाहर आने के बाद वो वही कर रहे हैं। तो नागरिकों ने अगर इसमें सतर्कता बरताई तो उसमें ये अवॉइड हो सकता है। ये ऐसे बहुत सारे मोडस इनके हैं और उसके तहत ये काम करते हैं। आरोपी कितने वर्षों से करते हैं कि आरोपी शायद नाबालिग टाइप या कम एज के दिख रहे हैं? नहीं, इनका एज अभी हम देखेंगे तो एक का 43 एज है और एक का 47 एज है, तो ऐसा नहीं मान सकते। लेकिन ये आरोपी इसमें सराहित है, पहले भी इनके ऊपर गुने दाखिल है, अभी बाहर आने के बाद फिर से गुने उनके ऊपर दाखिल है। कितने दिन की इनको पुलिस रिमांड मिली है, कौन सा? अभी मंडे तक इनकी पीसीआर है।